आनंद धाम की ओर। धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 73, पृष्ठ संख्या 226, बेलूड़ मठ, मंगलवार 24 जून 1930। महापुरुष जी बड़ी तन्मयता पूर्वक गा रहे हैं। गाने का आशय इस प्रकार है, माँ श्यामा ने कैसी कल बनाई है, माँ काली ने कैसी कल बनाई है, इस 3.5 हाथ की कल के भीतर वह कितने रंग दिखा रही है। वह स्वयं तो कल के भीतर रहती है और कल की डोरी पकड़े उसे घुमाती है, पर कल कहती है मैं स्वयं घूमती हूँ। वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। यह गाना बार बार गाकर वे चुप हो गए। बाद में मन ही मन कहने लगे, हम जानते हैं माँ ही सत्य हैं, माँ दयामयी हैं, और कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, जानने की आवश्यकता भी नहीं है। एक ब्रह्मचारी साधन भजन में उन्नति नहीं कर पा रहा है, उसने अपनी मनोदशा और अशांति महापुरुष जी के समीप प्रकट की और उनसे आशीर्वाद की याचना करने लगा। इस पर महापुरुष जी जोर देते हुए बोले, माँ तुम पर बहुत कृपा करें, तुम्हारे मन की सभी अशांति दूर कर दें। बच्चा बड़े रहो, उनके द्वार पर वे धीरे धीरे सब ठीक कर देंगी। कुछ भी हो हताश मत होना, खूब आर्त होकर उनका नाम लेना और आंतरिक प्रार्थना करना, ठाकुर तुम पर दया करो। मैं अत्यंत अबोध हूँ, तुम्हें किस प्रकार पुकारूँ सो भी नहीं जानता। तुम कृपा करो, अपने श्रीपाद पद्मों में पूर्ण भक्ति दो, पूर्ण विश्वास और पूर्ण दया ज्ञान दो। तुम्हें छोड़ भला मेरा और कौन है, तुम दया करो, मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाओ। तुम अपना साधन भजन काम काज लेकर पड़े रहना, दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया यह सब देखकर तुम्हारा क्या होगा। जो साधना करेगा उसी का होगा, वही आनंद पाएगा। भगवान का चिंतन बड़ा सहायक है। जब ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, रिपुओं यानी काम आदि का दमन हो जाएगा। बड़े अनुराग के साथ थोड़ा करके तो देखो। करो बच्चा करो, बड़े अनुराग के साथ उनका नाम जपते जाओ, उनके नाम में ही सब शक्ति है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।